नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के एकादश भाव में शुक्र के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का एकादश भाव इनकम का, बड़े भाई बहन का, इच्छा पूर्ति का भाव है। इसी भाव से हम अपने संतान के जीवन साथी के बारे में विचार करते हैं, यानी सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ का विचार इसी भाव से किया जाता है। हमारी किसी भी प्रकार की इच्छा है, वो इच्छा पूरी होगी या नहीं, उसके लिए इसी भाव को देखा जाता है। शुक्र जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह में दूसरे नंबर पर आता है, प्रथम नंबर पर बृहस्पति हैं सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह, और दूसरे हैं शुक्र। शुक्र को ज्योतिष में भौतिक सुख सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र वाहन का कारक ग्रह है, ये भोग का कारक ग्रह है। एकादश भाव में बैठा प्राप्ति के भाव में, भौतिक सुख सुविधा का कारक ग्रह शुक्र एकादश भाव में बैठे तो शायद ही ऐसी कोई विपरीत स्थिति हो जिसमें जातक को हर प्रकार का सुख सुविधा उपलब्ध ना हो, अन्यथा सभी स्थितियों में शुक्र एकादश भाव में बैठेंगे तो हर स्थितियों में ये यहाँ पर शुभ फल ही करते हैं। इनके नकारात्मक फल इस भाव में देखने को जल्द नहीं मिलते, नहीं मिलते ये कहना उचित नहीं है, लेकिन जल्द इसका बुरा फल एकादश भाव में नहीं देखने को मिलते ये सही है। आपको एकादश भावस्थ शुक्र का विचार करते समय ये भी ध्यान रखना है कि शुक्र उस कुंडली के लिए किस भाव का स्वामी है, शुक्र पर किस ग्रह की दृष्टि है, शुक्र के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, शुक्र किस ग्रह को देख रहा है, ये मेन बेसिक पॉइंट है। शुक्र को जो कोई भी ग्रह देखेगा या जिस किसी भी ग्रह के साथ शुक्र बैठेगा उस ग्रह का भी प्रभाव शुक्र के अंदर आ जाएगा, इसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद आप फलादेश के सीढ़ियों पर चढ़ते जाइए। शुक्र यहाँ पर जनरली नकारात्मक फल नहीं करता, फिर भी कुछ विद्यार्थियों अथवा कुछ ज्योतिष जिज्ञासुओं के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या एकादश भाव में शुक्र नीच का होगा उस स्थिति में भी शुभ फल करेगा। तो ध्यान दीजिए कि जब शुक्र एकादश भाव में नीच का होगा उस स्थिति में वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली बन जाएगी, और वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली के लिए शुक्र सप्तमेश और व्ययेश होते हैं, यानी मारक हो जाते हैं सामान्य रूप से, क्योंकि बारहवां भाव शरीर के हानि का हो जाता है और सप्तम भाव आयु के हानि का हो जाता है। तो वृश्चिक लग्न में शुक्र मारक होते हैं, वो एकादश भाव में नीच का होंगे। जनरली ये यहाँ पर 27 डिग्री तक नीच का होते हैं, लेकिन कन्या राशि एक द्विव स्वाभाविक राशि है और इसमें 27 डिग्री 40 कला के बाद यदि शुक्र बैठ जाएं, यानी 28 का बैठे, 28 डिग्री 20 कला का बैठे, 28 डिग्री 40 कला का बैठे, या 27 डिग्री 40 कला के बाद 30 डिग्री तक किसी भी अंक में बैठे तो ये यहाँ पर वर्गोत्तम हो जाएंगे, और वर्गोत्तम होंगे तो कोई भी वर्गोत्तम ग्रह बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है। ये सत्य है कि वर्गोत्तम ग्रह बलवान हो जाता है, इसके बावजूद भी आपको शुक्र का षडबल में क्या स्थिति है इसे समझना होगा, अष्टक वर्ग में उसे कन्या राशि में कितने बिंदु मिले हैं इसे भी समझना होगा, उपक बल में इसके पास क्या बल है उसे भी आपको नोट डाउन करना रहेगा। बिना इन सभी स्थितियों का विचार किए सही फलादेश कर देना कि शुभ फल करेगा वर्गोत्तम हो जाएगा तो ये उचित नहीं रहेगा। दूसरा कि ये बारहवें भाव का स्वामी है तो खर्च का स्वामी होकर लाभ के घर में गया है, ये एक दृष्टिकोण बन सकता है ज्योतिष के फलादेश के लिए कि खर्च तभी होगा जब इनकम होगा, बिना इनकम के खर्च कैसे होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। दूसरा कि सप्तम का स्वामी एकादश में गया तो जीवन साथी बिजनेस के लिए अच्छा शुभ संकेत है, लेकिन ध्यान रखिए कि हर स्थिति में ऐसी स्थिति शुक्र को देखने को नहीं मिलेगी, शायद ही किसी अपवाद कुंडली में शुक्र यहाँ पर नीचांशक से बाहर होगा, क्योंकि 27 डिग्री तक शुक्र नीच के होते हैं तो इनके नीच फल से हट जाना ये संभावना इनके कम बनते हैं। शुक्र जितना बलवान होगा एकादश भाव में, जितना इस पर शुभ ग्रह का प्रभाव होगा, शुक्र उतना ही अत्यंत श्रेष्ठ फल करेगा।
क्योंकि एकादश भाव में जल्द कोई ग्रह नकारात्मक फल नहीं करता, यानी ऐसा नहीं कि कोई ग्रह नकारात्मक फल नहीं करता, लेकिन जल्द कोई नकारात्मक फल नहीं करता, तो शुक्र भी जल्द नकारात्मक फल नहीं करेगा।